भाई तुम्हारा लोहारा छपरा है। अरुण सर विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन सर। हाथ में सर्टिफिकेट एक सेकेंड। अरे यहाँ तो आप सिंटू भाई ना लीजिए बता ले। कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं जमुई लोकसभा की जनता को अपना आभार देना प्रकट करना चाहूंगा, उनको अपना आभार देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ में मैं अपने परिवार का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमेशा मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और इसके साथ में मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्कर, नेताओं जितने भी जिन्होंने बहुत मेरी मदद की, मैं सबको उनका अपना आभार प्रकट करता हूँ। और इसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझे जीत दिलाने में मदद की, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं जमुई लोकसभा की जनता को अपना आभार देना प्रकट करना चाहूंगा, उनको अपना आभार देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, साथ में मैं अपने परिवार का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमेशा मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और इसके साथ में मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, वर्कर, नेताओं जितने भी जिन्होंने बहुत मेरी मदद की, मैं सबको उनका आभार प्रकट करता हूं। और इसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मुझे जीत लाने में मदद की, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट। आप यहाँ से चिराग जी पहले जीतते थे, अब अरुण जी यहाँ से जीते हैं, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले मेरा बेटा था, अब मेरा दामाद। अब कैसा, खुशी से? बहुत खुशी। क्या लग रहा है कि इस तरह से फिर से सेवा कर पाएंगे? बहुत अच्छे से सेवा कर अरुण जी यहाँ के लिए बेहतर साबित, बहुत बेहतर साबित। उसके लिए मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। एनडीए जिस तरीके से विपक्ष कहता था कि नहीं प्रदर्शन कर पाएगा, खाता तक नहीं खोल पाएंगे, ऐसे में जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा, मेरे प्रधानमंत्री जी का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, मुख्यमंत्री जी का, हमारे गठबंधन के तमाम घटक दलों का, और मैं मानता हूं सबसे अहम भूमिका हमारे गठबंधन के पांचों दलों के कार्यकर्ताओं की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने धूप गर्मी की परवाह किए बिना दिन रात उन्होंने कार्य किया और उसी की बदौलत आज ये परिणाम। 400 पार का नारा दिया गया, आज वो पूरा नहीं होता दिख रहा है, तो क्या कहेंगे उस जो 400 पार का जो दावा था उस पर क्या कहना चाहते? देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कई ऐसे कार्य हैं जिनको पूरे करने के संकल्प के साथ वहाँ हैं। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बनाना, 2047 तक देश को विकसित देश बनाना, उसके रोड मैप की तैयारी, उसकी नींव इन्हीं 5 सालों में रखी जाएगी। कहाँ चूक रही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए ज़रूर एनडीए पूरा बैठेगा, मंथन करेंगे, उस पर ज़रूर अध्ययन किया जाएगा। पर हाँ, आज ये भी एक बड़ी उपलब्धि है कि तीसरी बार पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे, मेरे लिए यह तो उत्साह वाली बात है। धन्यवाद।